तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नए इंटरव्यू में। तो दोस्तों हम छोटा सा इंटरव्यू करेंगे कमेटी मेंबर का और डीजे ओनर जो कि है डीजे सार्जन। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आप जैसे यहाँ आए हो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले पूछना चाहता हूँ ये कितना नंबर वाला आपके थ्रू स्वागत है? फर्स्ट नंबर वाला है। फर्स्ट हर बार मेरा फर्स्ट रहता है, पहले हो चुका है, फर्स्ट नंबर रहता है हर बार। हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जितना भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जितना भी चैनल में जितना भी आदमी देख रहे हैं पहले से बने हैं, और भी जुड़िए और बाकी आप पूछिए, जो भी पूछिएगा कोशिश करेंगे। तो आप 30 बेस का टारगेट लेके चले थे या कुछ नया, मतलब इससे भी ज्यादा लेके आए थे? मेरा एक ही टारगेट है कि सुविधा कितना बांध लेने का। तो बांध देंगे बोलेगा, अभी भी बांध देंगे। फिर पता चला कि रास्ता में काफी सारा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, मतलब मनोरंजन कम हो रहा है, परेशानी ज्यादा हो रहा है। परेशानी तो वो सारा चीज भी देखना है, कॉमेडी के हिसाब से भी चलना है। कोई ऐसा काम भी नहीं करना है जैसे कोई सरकारी सामान को नुकसान पहुंचे या किसी और को नुकसान पहुंचे। मतलब सब सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद मनोरंजन। अच्छा, आपकी एक न्यूज आई है अभी मैंने देखी अखबार में कि डीजे सार्जन को पुलिस ढूंढ रही है यूपी और उत्तराखंड की, वो कितना सच है कितना झूठ है? एक नॉर्मल सोचिए, यूपी पुलिस में मेरे ख्याल से जितना टीवी वगैरह में देखते हैं इतना इतना अपराधी को व्हील से निकाल लेता है, तो समझ रहे कि एक साउंड वाला कोई ऐसे छिप सकता है तो भी इतना पब्लिक में छिप सकता है कि वो देखिए उनका क्या मानसिकता था छापने वाला का, उसको कौन बोला नहीं बोला ये तो हमको नहीं पता। एक चीज हो जाओ थोड़े भाई, तो अभी जैसे आपने ये सेटअप रेडी किया है और आपको लोग बाग इतना प्यार दे रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? मैं तो शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि काफी सारा जन जुड़ भी रहे और काफी सारा प्यार भी दे रहे, जो साथ दे रहे, और हर एक आदमी जो भी आ रहे उनका एक कहना है कि भैया कभी भी मेरा अगर जरूरत हो तो मैं हमेशा खड़ा हूँ, मैं उसके लिए कैमरा के सामने उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं और अपने मेरे टीम के ऊपर। बहुत बहुत बढ़िया बात है। और आप कितने तारीख को निकलोगे सर यहाँ से जल लेकर, मतलब कावड़ लेकर? तो आप जैसे जाओगे यहाँ से, प्रशासन का कोई गाइडलाइंस आपके खिलाफ आई है, मतलब जैसे कि सभी डीजे वालों के लिए क्या क्या गाइडलाइंस जारी की है? सारी मतलब सब हम उनके हिसाब चल रहे हैं, ऐसा कोई फेक नहीं है, जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे, हम उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं। मतलब गाइडलाइंस तो कुछ बताई होगी अधिकारियों ने आके, सारा चीज उन्हीं के हिसाब से चल रहा है, वो लिख के भी गए हैं, उन्हीं के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और शुरू में भी बोले कि हम लोग ऐसा कोई भी चीज ऐसे नहीं करेंगे जिससे प्रशासन को हो या पब्लिक को दिक्कत हो। तो बाकी अभी आप कब तक साउंड टेस्टिंग मार देंगे? पब्लिक बहुत देर से पूछ रही है कि कब साउंड टेस्टिंग मारेंगे। कमेंट से टेस्टिंग बताओ कि जैसे जगह में हम लोग जहाँ पर रहने के लिए मिला, मारने का तो किसी भी समय मार सकते हैं, मतलब जैसे रेडी हो जाएगा एक दो दिन में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फिर रोड जाम हो जाएगा, भगवान ने करे कोई ऐसा चीज हो कि इधर टेस्टिंग करते हुए आदमी का ध्यान कोई ऐसा घटना हो जाए जिसके कारण सारा मेला खराब। भाई हम आपसे यही कहेंगे कि आप जब भी पहला तो एक आंसर पूरा होगा तभी आप दूसरा। खुला एरिया हो क्योंकि पब्लिक बहुत होगी। हाँ भैया, आप पब्लिक बहुत होगी, पब्लिक बहुत होगी, खुला एरिया रखना अपना। हम मारेंगे बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा है। और किसी को पूछना है और पूछ लीजिए कुछ हो, फिर कैसे चुप हो गए? तो आप जैसे यहाँ से आए हो और आपको मतलब दो दिन जाने में लगेंगे, तो आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आने और जाने में? मतलब जाने के तो देखो अभी दूर की बात, आने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? पहला बात, कोई काम अगर आप सोचते हैं कि आपको करना है तो वही होता है ना कि भूख लगा होता है, कि भूख लगने से ये नहीं देखा जाता कि खाना क्या है, वो भूख है। तो काम भी उसी तरह भूख की तरह है, काम करना है। इधर क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या परेशानी है, इतना सोचेंगे तो कभी काम होगा नहीं। फिर मेरा हम क्या कोई भी इंसान 1500 सोच के 1500 किलोमीटर सोच के वो पहले ही ना कर देंगे। बिल्कुल, अगर हम ऑप्शनल खोजेंगे, ऑप्शन खोजेंगे कि नहीं हमको 10 बहुत सारा वैरायटी चाहिए तो नहीं होगा। बाकी इतना तो है कि आप लोग फेस एक्सप्रेशन, बाकी मेरे लड़का जो काम कर रहे हैं इसके अनुभव से ही आप लोग खुद बता सकते हैं कि अभी लड़का लोग में क्या मूड है। भाई जी, आपको कैसा फील हो रहा है जैसे कि आप कावड़ मिले, पहली बार आए हो यहाँ पे उत्तराखंड के? तो है कि बुरा एक अच्छा, तो अच्छा ही बोलेंगे, किलो के हिसाब से होता तो नाप देते अभी 50 किलो वाली। अच्छा अच्छा, तो आप जैसे आए हो यहाँ से जल लेके भी जाओगे आप घर? गंगा माता का जलाए तो थोड़ा प्रसाद तो घर से कॉल आना शुरू हो गया है कि मेरे लिए। और रही रास्ते में कठिनाई वाली बात, कोई कठिनाई नहीं थी, हम सबका प्यार तो खींच लाया।
भोले बाबा का आशीर्वाद था। बोल शंकर भगवान की जय, बोल साजन भैया की जय। बाबा के चरणों में ही भैया, जब देखो आपके नाम की इतनी खौफ बैठी हुई है तो देखो पब्लिक देखो आपके लिए प्यार है, ये प्यार है, खौफ नहीं है। नहीं ये तो खौफ ही क्या जाएगा भैया, देखो पब्लिक इतनी इसका नाम लिया जाएगा तो खौफ भी बोला जाएगा। देखो अभी साजन भैया कुछ बोलेंगे, पूछना चाहता हूँ। हाँ कुछ बोल, मैं जितने भी सारे यूट्यूबर थे जो भी मेहनत कर रहे, रात दिन मेहनत कर रहे, बहुत जन कुछ ऐसा थंबनेल लगा दे रहे, कुछ ऐसा लिख के, ठीक है व्यू सब कुछ है, आप उस तरह का गलत थंबनेल, मतलब आपको भी पता है कि मैं इसको व्यू लेने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, तो इसमें तो आपको सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा भी ना हो कि उसके बाद ये मेला पार होने के बाद कोई पूछे ही नहीं, पूछे ही नहीं। मैं अपना ऑफिशियल चैनल को भी मैं देखता हूँ जितना ग्रो होता है, आप खुद ही जानते हैं कि एक स्क्रॉल करते हैं तो दूसरा आ ही जाता है, तो अपना कंटेंट ऐसा भी नहीं रखिए कि स्क्रॉल में ही गिनती का है, कोई अपने से खोजे कि अभी क्या हो रहा है। अभी देखिए जितना मोबाइल में चल रहा है सबका, मैं लाइव में आप अगर 12 कल देखे मैंने, 1-2-3 बजे तक आदमी का हजार हजार लाइव में था, तो वो क्यों था, वो सर्जन को देखने खोज रहे थे। तो मैं भी चाहूंगा कि जितने भी यूट्यूबर है आप कंटेंट ऐसा रखिए कि आपका कंटेंट में वो खड़ा रहे, ये नहीं कि ये पार हो गया उसके बाद आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं, ठीक है। ये जो जो नया है खास करके तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि नया में अभी व्यू मिल जाएगा, अभी दमादम व्यू मिलेगा, ना चाहते हुए भी व्यू मिलेगा। लेकिन इसको आप इस समय आपको एक यूट्यूब चैनल के थ्रू बता दे रहे, ये आप फायदा में तभी ले सकते हैं आपका बोली, आप कहाँ क्या चीज़ दिखा रहे हैं। देखिए एक रियल बात बता दे, अभी इतना सारा यूट्यूबर है जो दूर का आदमी जैसे हम है, हम लोग तो बहुत इतना आदमी को तो नहीं जानते थे, यहाँ आने के बाद सुबह से शाम तक कम से कम 100 क्रॉस कर जा रहा है यूट्यूबर, तो क्या हम लोग झारखंड से या अलग अलग जगह से इतना तो नहीं जानते थे, नहीं बोल रहे, सच में बोल रहे, नहीं जानते थे गिना चुना किसी जगह। अब सोचिए तो वो गिना चुना में आपको आना है या पूरा भीड़ में आना है, अगर भीड़ से अगर थोड़ा सा आउट आना है तो आपको यूनिक करना पड़ेगा, ये भी थंबनेल भी सारा चीज में मेहनत करना पड़ेगा, बाकी नहीं तो वही हो जाएगा फिर वही भीड़ में ही गिनती का यूट्यूब चैनल ऐसा है, ये सब दिखा रहा है इसीलिए ग्रो हो रहा है सबका, नहीं तो पता चल रहा है आपको लाइव आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि 2-4 भी, क्योंकि आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, आपका कोई बोलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जितना भी ऐसा भी नहीं कि नहीं होगा, आप अभी से शुरू कीजिए, उस तरह से बनने का जरूर होगा सबका चैनल। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर वीर भजेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे भाई का, मेरे सेटअप में 3 लेजर रहेगा, मैं जितना भी जन आप मेरे ख्याल से सब कोई कवर कर रहे तो 3 लेजर रहेगा। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर मान लीजिए 2 सेटअप 3 सेटअप ऐसा रहेगा कॉम्पिटिशन का अगर माहौल रहा तो उस समय लेजर मेरा कोशिश रहेगा 99% बंद रखेंगे। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है और आपके थ्रू जितना जन देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम दिया ये वाला इंटरव्यू, अभी तक दिया भी नहीं है, ये बात बिल्कुल। मैंने एक चीज इसमें क्या होता है, बहुत जन को ये नहीं पता कि भाई ये कैमरा कैसे खराब हो सकता है। मैं पहला गलती मैं मुंबई में किया था 2022 में, हम बोले ये लेजर कैसे खराब, मेरे को भी मना कर रहा था वहाँ पर कि मैं लेजर से कैसे खराब हो जाएगा, एक लाइट से कैमरा कैसे खराब हो जाए, तो कैमरा खराब मतलब उसमें दागी आ जाता है, स्पॉट आ जाता है, अब तो इतना महंगा मोबाइल में स्पॉट आ जाएगा तो बहुत खराब लगेगा। अब जिनका 1 साल का वारंटी है तो वो तो निकल लीजिएगा, लेकिन मोबाइल तो खुलेगा। तो मैं बोलूंगा जैसे ये 2 है, अगर यहाँ पर प्ले हो रहा है, यहाँ लेजर है, तो मैं बोलूंगा इस साइड से लीजिए, मतलब सीधी सी बात, वो पहले देख लीजिए नज़र से कहीं लेजर का रे थोड़ा देर रुक के, लेजर का जो रे है वो आपका कैमरा में किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। एक चीज ध्यान रहे, लेजर आप मोबाइल ऑन है या ऑफ है वो मायने नहीं रखता है, ऑफ भी रहेगा फिर भी कैमरा लेजर में नहीं आना चाहिए, क्यों, उसको लेंस को डिफेक्ट करता है, वो मोबाइल ऑन रहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ये टेस्टिंग भी करके देख लिया कि मेरा कैसे टेस्टिंग हुआ, मेरा जो रूम में जो ये था कैमरा था, ठीक है, मैंने सोचा ऑफिस में चेक कर दो, वो कम हुआ 8 वाला, ठीक है, उसको चेक करें, मेरा दिमाग में था ही नहीं कि ये लेजर और वो कैमरा है, तो जब बाद में देख रहे भाई ऑफिस वाला चल क्यों नहीं रहे, पूरा का पूरा काला हो गया,
समझ गए कि ये बंद था फिर भी लेजर मार दिया उसको, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ऐसे बाकी अपनी कॉल कर रहे हैं और लेजर इधर है तो ये मत सोचिएगा कि कैमरा ऑन है तभी खराब होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग लेजर का, क्योंकि जब इतना महंगा लेजर लगाए तो आप लेजर शो को साइड से दीजिए, ठीक है। अब इसमें से अगर किसी को देखना है कि कैसे खराब हुआ है मेरा कुछ नहीं, एक सर्च कीजिएगा डीजे सार्जन धनबाद रोड शो कैमरा कैसे खराब हुआ ऐसे कुछ लिख दीजिएगा, एकदम रोते हुए ही आपको आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर इतना जनता खराब हुआ, मेरा भी खराब हुआ था, वो विश्वास ही नहीं था कि खराब, मैं सामने रह के मैं बोल रहा था भैया ये कैमरा को हटाइए बंद खराब हो जाएगा, वो ऐसे देखा और ऊपर कर दिया, हम बोले कि छोड़िए आप कुछ नहीं बोल रहे हम। बाकी अपने फैंस को कुछ कहना चाहोगे? रिक्वेस्ट की जब भी सर कंपटीशन हो फिलहाल सर लेजर को सर बंद कर लीजिएगा, लेजर जब भी मेरा कोशिश रहेगा लेजर जब जब भी चालू होता है ना तो हथियार कौन सा निकलना है क्या निकलना है कब निकलता है कभी भी निकल जाता है कंपटीशन होएगा, लेकिन भैया थोड़ा सा यूट्यूबर का भी आएगा, नहीं यूट्यूब के साइड में आ जाए ना कंपटीशन होएगा, हम लोग के जरिए भी बहुत आगे तक जाना है, हमें भी जाना है फिर आगे वीडियो को जाना है। एक सावधानी कीजिएगा बीच से कोशिश ना बंद हो इतना चला कीजिएगा, बाकी अपना भी तो ध्यान दूसरा तरफ फैला हुआ रहता है ना, तो जो लड़का रहता है बाई चांस तीन चार रात जागने के बाद उसको पता ही नहीं है कब कहाँ क्या हो रहा है, वो लेजर चला वो पता है ऐसे में हम क्या बोले 99% मेरा टारगेट रहेगा कि उस समय बंद रहेगा लेकिन बाकी समय चालू होगा, बाकी समय जब चालू होगा तो सार भी बंद रहेगा, ठीक है। अगर रेगुलर चालू रहेगा बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो इस इंटरव्यू को यहीं एंड करते हैं, चलो दोस्तों कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट करके बताना, आपके लिए छोटा सा इंटरव्यू रख लिया और यहाँ पे सावधानी बना कर रखे तो कमेंट कर देना कैसा लगा, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।